नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 5G वर्सेस Samsung Galaxy A13 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z5 5G में 6.48 इंच जबकि Galaxy A13 4G में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Z5 5G में 3.02 इंच जबकि Galaxy A13 4G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Z5 5G में 0.33 इंच जबकि Galaxy A13 4G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Z5 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z5 5G में 193 ग्राम जबकि Galaxy A13 4G में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z5 5G में IPS LCD जबकि Galaxy A13 4G में RTFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z5 5G में 6.67 इंचेस जबकि Galaxy A13 4G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z5 5G में 1080x2400 और Galaxy A13 4G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z5 5G में 85.14% जबकि Galaxy A13 4G में 83.38% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z5 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A13 4G में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z5 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A13 4G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z5 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A13 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z5 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy A13 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z5 5G में Adreno 642L जबकि Galaxy A13 4G में Mali G52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z5 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और Galaxy A13 4G में Samsung Exynos 8 Octa 850 मिलता है। बात करें RAM की तो Z5 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Galaxy A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z5 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Galaxy A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z5 5G में नहीं है, जबकि Galaxy A13 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Z5 5G में Android V11 जबकि Galaxy A13 4G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Z5 5G में दो कलर्स जबकि Galaxy A13 4G में चार कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z5 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy A13 4G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो इक्कु Z5 5G में तीन फायदे और शून्य नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A13 4G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में Z5 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z5 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M51 है, दूसरा Realme 7 Pro है, तीसरा Samsung Galaxy M31s है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।